चारा घोटाला, इसमें डोरंडा मामले में लालू को 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, देखिए अब अलग अलग मामलों में अलग अलग सजाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन लालू खेमा तो इस बात से खुश हो रहा है कि अब हम हायर कोर्ट में जाएंगे, वहां अपील करेंगे, वहां से राहत मिल सकती है, आधी सजा काटी जा चुकी है, ये तमाम चीजें उन्हें राहत दे रही है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है क्या? देखिए मियां जी, दो चीजें हैं। एक तो अदालत के फैसलों का सभी को आदर करना चाहिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जेडीयू का, एनडीए का फैसला नहीं है। उनके समर्थकों के द्वारा जिस तरह से अदालत के फैसले को डिस्टर्ब किया जा रहा है, एक तो मुझे उसे अफसोस है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, चूंकि वो गरीबों के लिए लड़ रहे थे इसलिए उनको सजा मिली है, नंबर वन। नंबर दो, दूसरा मेरा अफसोस ये है कि लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, रामविलास जी, सुशील मोदी जी और मैं खुद भी, हम लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भ्रष्टाचार के विरोध के लड़ाई के सैनिक रहे हैं। हमारी ही कतारों का कोई आदमी खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे लालू जी के साथ हुआ है। तीसरा मेरा ये निवेदन है उन दलों से जो बिहार में लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में अभी भी गठबंधन चला करके हमारी एनडीए की सरकार के विरुद्ध कार्यरत है, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए कि अदालत के द्वारा दोषित भ्रष्टाचार के मामलों में जो लिप्त नेता पाए गए हैं उनसे दूरी बना के रखें। केसी त्यागी जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको नहीं लगता इतने लंबे वक्त से ये मामला चला आ रहा है, अभी तक इसमें सजा का ऐलान, इसमें अभी तक कितनी सजा काटी गई है इसका आकलन किया जा रहा है, कितनी सजा नहीं काटी गई है ये बताया जा रहा है, तो अब फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए ना सर? नेहा जी, जो भी अदालत का फैसला होगा उसका हम स्वागत करेंगे। अदालत के फैसलों पर हम इंटरप्रिटेशन या अपनी मर्जी का फैसला है इसकी नहीं इच्छा रखते हैं ना अपेक्षा रखते हैं। अदालत उनको राहत देगी उसका स्वागत करेंगे, अदालत उनको सजा देगी हम उसका स्वागत करेंगे। ये इनको हम अपनी राजनीति के हिसाब से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के।